गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री बी एल मेमोरियल अकेडमी केरू से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की गई है आप लोगों के लिए। तो आज मैं आपको हिंदी की क्लास में, प्रेप क्लास में, आपको बड़ी ई की मात्रा के शब्द बताऊंगी, बड़ी ई की मात्रा के शब्द सिखाऊंगी कि कैसे शब्द लिखे जाते हैं, बड़ी ई की मात्रा कैसे लगाई जाती है और कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। देखो, ब, इस पे बड़ी ई की मात्रा इस तरफ लगेगी, ब के बाद में, व्यंजन के बाद में, तो ब, बड़ी ई की मात्रा ज, क्या बन गया, बीज। क, बड़ी ई की मात्रा ल, कील, क्या बन गया ये, कील। पहले व्यंजन लिखेंगे फिर ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा, वो हमारा बड़ी ई की मात्रा का शब्द बनेगा। स, आ की मात्रा सा, ड, बड़ी की मात्रा डी, साड़ी, साड़ी। ब, बड़ी की मात्रा बी और फिर ज, बीज। क, बड़ी की मात्रा ल, कील। स, आ की मात्रा ड, फिर बड़ी की मात्रा साड़ी। क, बड़ी की मात्रा ट, कीट। पहले व्यंजन लिखेंगे फिर ई की मात्रा लगाएंगे बड़ी की, और फिर दूसरा व्यंजन लिख करके इसको ई की मात्रा का शब्द बनाएंगे। तो पहले क लिखा, फिर बड़ी की मात्रा लगाई और फिर ट लिख दिया, कीट, बन गया कीट। ब, क, र और बड़ी की मात्रा बकरी। ब, क, र, बड़ी की मात्रा बकरी। ये भी व्यंजन के बाद में बड़ी की मात्रा लगाई, व्यंजन र लिखा उसके बाद बड़ी की मात्रा लगाई, बकरी, बड़ी की मात्रा का शब्द बन गया। तो हमेशा ध्यान रखना है, बड़ी छोटी ई की मात्रा होती है वो व्यंजन के पहले लगती है, बड़ी ई की मात्रा होती है वो व्यंजन के बाद में लगती है। न, बड़ी की मात्रा ल, आ, नीला। न, बड़ी की मात्रा ल, आ की मात्रा नीला, शब्द बन गया। द, आ की मात्रा द, बड़ी की मात्रा दादी। द, आ की मात्रा दा, द, बड़ी की मात्रा दी, दादी। ऐसे ही न, आ की मात्रा न, बड़ी की मात्रा नानी। ये भी बड़ी की मात्रा का शब्द है, इसमें भी बड़ी की मात्रा लगी है, नानी में भी, दादी में भी बड़ी की मात्रा लगती है, दीदी लिखते हैं तो भी बड़ी की मात्रा लगती है। तो ये सब क्या है, बड़ी की मात्रा के शब्द हैं। ऐसे ही प, बड़ी की मात्रा ल, आ की मात्रा पीला, पीला रंग होता है, तो प, बड़ी की मात्रा पी, फिर ल, फिर आ की मात्रा ला, पीला। तो ये क्या हो गए, बड़ी की मात्रा के शब्द हो गए। ऐसे ही च, आ की मात्रा ब, बड़ी की मात्रा बी, चाबी। च पे आ की मात्रा चा, ब पे बड़ी की मात्रा बी, चाबी। तो ये सब क्या है हमारे, बड़ी की मात्रा के शब्द हैं। ये सब क्या है हमारे, बड़ी की मात्रा के शब्द। ये भी आपको याद करने हैं, लर्न करने हैं, कॉपी में साफ साफ वर्क करना है, अच्छे से लिखने हैं आपको, और फिर अच्छे नंबर भी लाने हैं। तो आप याद भी करोगे, करोगे ना साफ साफ राइटिंग में वर्क करके। और ये आपको वापस कुछ भी नहीं सिखाया जाएगा, जो अभी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है वो वापस नहीं पढ़ाया जाएगा। इसलिए आपको ध्यान से घर पे बैठ के बार बार वीडियो ऑन करके बार बार याद करना है, बार बार सफाई से वर्क करना है, तो आपके जल्दी समझ में आ जाएगा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम बाद में नहीं आएगी। और ये सब आपको अभी समझा दिया जा रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, बार बार वीडियो चलाइए, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।